अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैंने जहाँ उसे देखा वो कॉल था जो मुझे डरा रहा था, एंड तभी ये मेरी मुझे कुछ दिख भी तो नहीं रहा है। आखिर क्यों, ये कैसे हो गया? आखिर मैं हूँ कहाँ, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है ये। एपिसोड पपलो मिला अपने डुप्लीकेट से। पता नहीं मैं यहाँ से कब और कैसे बाहर निकलूंगा। अरे एकदम से यहाँ पर लाइट आ गई और मुझे सब कुछ दिख रहा है। अरे मैं हूँ कहाँ? मेरी तो यहाँ पर बाइक है, मैं हवा में हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? मेरी बाइक हवा में है? अरे ये क्या हो रखा है? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जब से मुझे वो दिखा तब से ये ब्लैक एकदम से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, और एकदम से मुझे यहाँ पर बाइक और मेरी बाइक जो है हवा में कैसे चल पा रही है, ये कैसे पॉसिबल है? ये किसने क्या मैजिक करा है मेरे ऊपर, कैसे हो रहा है ये? कुछ नहीं होता, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। 3 2 1 एंड कूदो। क्या होगा ये? अरे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। नहीं मैं गिर रहा हूँ, मैं क्यों कूदा? अरे नहीं क्या हो रहा है ये? मैं यहाँ पर मुझे मेरा घर दिख रहा है, अगर मैं नहीं क्या हो रहा है, मैं यहाँ से कैसे बच पाऊंगा? नहीं क्या हो, नहीं मुझे डर लग रहा है, क्या होगा मेरा? नहीं, हाँ, मैं बच गया। इतनी ऊंचाई पर भी कूदने पर मैं कैसे बच गया? और मेरा खून, मैं वहां पे जाकर देख लेता हूँ जहाँ पे मैं उस भूत वाली चीज से मिला था, कहाँ पर है वो? वैसे वो इस शीशे के अंदर से नहीं दिखती थी, लेकिन हम उसे आंखों से देख सकते हैं सर। देखे तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, यानी कि वो गायब थी या तो वो कुछ और ही था, और मैं वहाँ हवा में भी था। कैसे उस चीज ने मुझे पहुंचाया? क्या कैसे? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? और ये मेरे सामने कौन है? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ये कौन खड़ा हुआ है मेरे सामने? पपलू मेरी बात को ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। क्या तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये कौन है? और ये बिल्कुल मेरे जैसा लग ही रहा है, मतलब पूरा तो मेरे जैसा नहीं है पर ये बिल्कुल मेरे जैसा ही लग रहा है। आखिर तुम हो कौन? पपलू मैं हूँ तुम्हारा डुप्लीकेट। क्या तुम ही मेरे डुप्लीकेट हो? यानी कि तुमने मेरे दोस्त संजय के दोस्त सचिन को मारा, और सचिन मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था, तुमने उसे क्यों मारा? पपलू वो तुम्हारा दोस्त सचिन नहीं था, वो कोई और था। क्या कोई और? ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। पपलू मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। सुनाओ, पर मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? मैंने तुम्हें यहाँ पर एक कुछ ऐसा मैजिक करा तुम्हारे ऊपर कि तुम हिल ही नहीं सकते। ठीक है, सुनाओ अपनी कहानी। पपलू ध्यान रखना, यह है तुम्हारा वर्ल्ड और एक वर्ल्ड है हमारा जिसे कहते हैं ब्लडी वर्ल्ड। ब्लडी वर्ल्ड? वो कैसा वर्ल्ड है? उस वर्ल्ड में तुम्हारे जैसे ही लोग रहते हैं जो कि तुम्हारे जैसे ही काम करते हैं, पर वो वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक लोग रहते हैं, यानी कि उनकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जो तुम अपने सपने में देखे होंगे तुमने वो दो, वो असल में और कोई नहीं उसी वर्ल्ड के दो है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। असल में वो तीन भाई है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उनमें से तुमने दो देख लिए, लेकिन असल में यहाँ पर तीन है और तीसरा वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक है और वो इन दोनों का सबसे बड़ा वाला भाई है। पपलू मेरी बात सुनो, ब्लडी वर्ल्ड में जा या इस वर्ल्ड में जाने का एक ही रास्ता था जो कि था वो बीच जहाँ पर तुम तैर रहे थे। वहाँ पर तुम्हें सपने में बोला गया कि यहाँ पर उस बीच पर तैरो, वो इसलिए बोला गया था ताकि हमारा जो ये वर्ल्ड है ब्लडी वर्ल्ड वो तुम्हारे वर्ल्ड से जो कनेक्ट हो जाए, एंड हम तुम्हारे वर्ल्ड में जो है वो दो वो सब लोग आ सके और इन सबको असली वाले को जो है मार सके, यानी कि जो ओरिजिनल है उन्हें वो अपने वर्ल्ड में ले जाते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। और जो डॉक्टर आर्या थी उन्होंने तुम्हें टाइम ट्रेवल करने के लिए इसलिए बोला, वो तुम्हारा कोई टाइम ट्रेवल नहीं था, वो सब तुम्हें ऐसे दिखाया गया था
कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर वो ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुम्हें दे दिए इन्फिनाइट हेल्थ। अच्छा इन्फिनाइट है, तभी मैं ऊपर से नीचे गिरने पर मैं कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ इन्फिनाइट हेल्थ है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी हेल्थ एकदम से इन्फिनाइट है। अच्छा पप्लू, डॉक्टर आर्या भी जो है वो ब्लडी वर्ल्ड की थी, लेकिन सिर्फ 4-5 लोग ही आ सकते थे इस तुम्हारे इस दुनिया में, इसलिए उन्होंने बीच का जो है सोचा और तुम्हें बोला कि यहाँ पर तुम्हें तैरना है। लेकिन पप्लू तुम जैसे तैरे ब्लडी वर्ल्ड का रास्ता खुल गया एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। एंड सचिन, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारी दुनिया का नहीं था, वो ब्लडी वर्ल्ड का था। मैं जितने हो सके उतने ब्लडी वर्ल्ड के लोगों को मार सकता हूँ, पर अब मेरे पास इन्फिनाइट हेल्थ नहीं बची हुई है। मैंने अपनी इन्फिनाइट हेल्थ तुम्हें दे दी है क्योंकि अब मेरा काम तुम्हें करना है पप्लू, जाओ और इन सबको मारो। लेकिन पर अरे तुम कहाँ चले गए, ठीक है अब मैं यहाँ पर अपनी साइकिल निकालूंगा और सबसे पहले यहाँ पर बीच पर जाऊंगा और देखूंगा कि कैसे हमारा जो वर्ल्ड यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है अपनी साइकिल निकालने का टाइम आ चुका है, बहुत टाइम के बाद अपनी साइकिल को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ।